Alright, so have a look at this. This is the Probus PB2BL wireless sports earphone. इस ईयरफोन का ओरिजिनल प्राइस 4800 है, बट ये फ्लिपकार्ट पे 700 में मिल रहा है एंड प्रोबस के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका प्राइस 1499 है, मतलब 1500। सो फ्लिपकार्ट का ऑफर देखकर एंड इस ईयरफोन के सारे फीचर्स एंड स्पेक्स देखकर एक्साइटमेंट में मैंने ईयरफोन ऑर्डर कर दिया, बिकॉज ऑलमोस्ट 4000 का फ़ायदा हो रहा था, बट डीप डाउन आई न्यू कुछ तो गड़बड़ होगा, क्योंकि इतना हैवी डिस्काउंट तो कोई ब्रांड नहीं देता। 10% 20% समझ में आता है, बट दिस वॉज टू मच। लेकिन फिर भी मैंने ऑर्डर कर दिया एंड मैं कभी टेक प्रोडक्ट खरीद कर रिग्रेट नहीं करता। इवन अगर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है या फिर उसमें कुछ खराबी है तब भी, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है एंड कुछ नया जानने का और सीखने का मौका मिल जाता है। सो कीपिंग दिस इन माइंड आई वेंट अहेड एंड ऑर्डर्ड इट। 5 दिन बाद यह फ़ोन फाइनली डिलीवर हो गया एंड दिस इज़ द बॉक्स विच आई गॉट। मतलब इसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह था, नॉट जस्ट दिस बॉक्स। वैसे मुझे ओवरऑल बॉक्स एंड पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी। बॉक्स के अंदर ईयरफोन मिलता है, एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर एक पाउच है ईयरफोन रखने के लिए, कैरी करने के लिए आई मीन। माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इट ऑल्सो हैज़ दैट नाइस येलो एक्सेंट टू इट। नेक्स्ट अप एक यूज़र मैनुअल है एंड फाइनली 3 पेयर ऑफ ईयर टिप्स, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, जिसमें से एक मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। सो दीज आर ऑल द बॉक्स कंटेंट्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ईयरफोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव हाउ कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, यूनिक लुकिंग एंड हैजल फ्री दिस ईयरफोन इज। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक ईयर बड्स ऑर समथिंग बिकॉज देर इज एन मच गोइंग ऑन ईयर। सिर्फ एक छोटा सा वायर है जो आपके सिर के बैक साइड पर आ जाता है एंड दैट्स इट। फ्रंट से देखोगे तो वायर दिखेगा भी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम, जस्ट द ईयरबड्स विल बी स्टिकिंग आउट। एट फर्स्ट थोड़ा वियर्ड लगता था बिकॉज आई हैड नॉट यूज एनीथिंग लाइक दिस एवर बिफोर, सो इट टुक मी अ वाइल टू गेट यूज टू दिस, बट नॉट गोना लाइक दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड हैजल फ्री ईयरफोन आई हैव एवर यूज। सिंस आई ट्रैवल अ लॉट विद द बैकपैक ऑन माई बैक, तो जो नेकबैंड वाली ईयरफोन्स हैं उससे भी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट दिस वन सॉर्टेड इट आउट। ईयरबड्स के ऊपर का पार्ट प्लास्टिक बिल्ड है विथ येल्लो एंड ब्लैक कलर कॉम्बो, और इसका डिज़ाइन एंड लुक भी काफ़ी यूनिक है विच आई काइंड ऑफ लाइक। ईयरबड्स जो हैं वो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक से बने हुए लगते हैं एंड कम्पेयर टू द आउटर पार्ट ईयरबड्स फील प्रीटी स्ट्रॉन्ग। राइट साइड में नोटिफिकेशन LED है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है जो कैप के साथ आता है एंड मल्टी फंक्शन बटन है। लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं मिलता। एंड टॉकिंग अबाउट द बटन्स, वेल दीज आर सुपर टाइनी, अंदाजे से यूज़ करना मुश्किल है, आपको प्रॉपरली फील करके प्रेस करना पड़ेगा। एंड जो वॉल्यूम बटन्स और मल्टी फंक्शन बटन है वो एक तो छोटे हैं ही, इसके साथ ही एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट में है। सो कभी कभार जब मुझे एक बटन प्रेस करना होता है तो दोनों बटन्स दब जाते हैं एक साथ एंड इट्स अ बिट अनोइंग। द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी एवरेज, बटन्स आर जिगली एज वेल एंड द क्लिक्स फील काइंड ऑफ चीप। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्रिप, वेल इट इज एक्सट्रीमली गुड। एक बार आपने ईयरफोन पहन लिया तो फिर ईयरफोन के अपने आप निकलने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली क्वालिटी इन दिस ईयरफोन जिसको मैं कह सकता हूँ कि 4000 के आसपास है। रनिंग जॉगिंग वगैरह तो छोड़ो, आई थिंक आप इसको पहनकर लिटरली UFC भी खेल सकते हो। द ग्रिप इज़ एक्चुअली दैट गुड। हवा से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो मैंने लोकल ट्रेन के डोर पर खड़े होकर लिया था चुप चुप के, क्योंकि मेरे में अभी इंस्टाग्राम वाले रीलर्स जितना कॉन्फिडेंस है नहीं, बट आई विश आई हैड। एनीवे, सो अगर आपको ट्रैवलिंग के टाइम कार के विंडो के बाहर या बस के विंडो के बाहर ईयरफोन पहन कर अपना मुंह बाहर निकाल कर ऐसा कुछ करना है तो बिना कोई दिक्कत के आप कर सकते हो। बट जो कम्फर्ट है इट इज़ मेस्ड अप अ लिटिल बिट। आप मैक्स टू मैक्स इस ईयरफोन को 1.5 घंटे तक पहन सकते हो विदाउट फीलिंग एनी डिसकम्फर्ट और पेन। उससे ज़्यादा पहने रखोगे तो ईयर्स पेन होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगने लगता है। सो स्पोर्ट्स के लिए ठीक है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे यूज़ करोगे ईयरफोन को, बट फुल डे यूज़ के लिए काफ़ी दिक्कत होगी, आप पूरा दिन नहीं पहन पाओगे इस ईयरफोन को। मुझे लग रहा था शायद मैं गलत साइज़ का ईयर टिप यूज़ कर रहा था, बट स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों साइज़ के ईयर टिप्स ट्राई करने के बाद भी कम्फर्ट में कोई सुधार नहीं आया। सो अपार्ट फ्रॉम एस्थेटिक्स, ग्रिप एंड कन्वीनियंस, आई थिंक देयर इज नथिंग मच टू प्रेज हियर। नाउ मूविंग ऑन टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेक्शन। दिस ईयरफोन कम्स विद ब्लूटूथ 4.1 प्लस EDR, मतलब कंपेयर टू नॉर्मल 4.1 EDR इज अ लिटिल मोर एफिशियंट एंड फास्टर, नॉट मच जस्ट स्लाइटली। ऑडियो ट्रांसमिशन स्पीड फॉर सोशल मीडिया एप्स, म्यूजिक एप्स, यूट्यूब एंड अदर मीडिया रिलेटेड परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, नो डिले और कनेक्शन इश्यूज, सेम अप्लाइज फॉर द कॉल्स एज वेल। गेमिंग के लिए अगर आपका फ़ोन अंडर पावर है या फिर अच्छा हार्डवेयर लैग करता है तो आपको ऑडियो डिले देखने को मिलेगा थोड़ा,
फॉर एग्जांपल मेरा Redmi Note 7 Pro। अदरवाइज़ अगर आपका फ़ोन में अच्छा हार्डवेयर है, इनफ पावर है, तो आपको डिले जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेगा गेमिंग के टाइम भी। कनेक्शन स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। एक बार आपने ईयरफोन को अपने डिवाइस से पेयर कर लिया तो नेक्स्ट टाइम से जैसे ही आप ईयरफोन को स्विच ऑन करेंगे, ईयरफोन आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। इट इज़ ऑलमोस्ट एज फास्ट एज OnePlus Bullets Wireless Z, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। रेंज 10 मीटर्स की है जो आपको मिल जाएगा इफ़ देर इज़ अ क्लीन फ्लो ऑफ वेव्स सिग्नल्स और वॉट एवर यू कॉल इट। लेकिन ब्लॉकेज में थोड़ी दिक्कत होगी। लाइक समझो अगर आप बेडरूम में अपना फ़ोन रखकर किचन में जाते हैं तो ईयरफोन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली डिस्कनेक्ट हो जाएगा या फिर ऑडियो स्टटर होगा। यूँ समझ लो ब्लॉकेज में आपका रेंज का स्ट्रेंथ जो है वो 4 से 5 मीटर्स का ही रहेगा। वैसे अगर आप आउट ऑफ रेंज चले जाते हैं, ईयरफोन आपके डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड फिर थोड़ी देर बाद फिर से आप रेंज में आते हैं, तो ईयरफोन आपके डिवाइस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको मैनुअली कुछ करना नहीं पड़ता। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन देयर इज़ एन इनबिल्ट माइक्रोफोन या विथ CVC 6.0 नॉइस रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी विच इज़ गुड एट रिड्यूसिंग एम्बियंट नॉइस, ट्रैफिक नॉइस एंड अगर आपके आसपास कोई बात कर रहा होगा तो उनकी भी आवाज़ रिड्यूस की जाएगी। एंड इन रियल लाइफ ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है, लेकिन थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे जो भी मेंशन किया गया है वो सारी चीज़ें रिड्यूस तो होती हैं बट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यूँ समझ लो आपकी आवाज़ लाउड होगी एंड बाकी सारी जो साउंड एंड डिस्टर्बेंस होगा वो होगा, लेकिन उसको सप्रेस किया जाएगा, एलिमिनेट नहीं। मतलब आपकी आवाज़ के साथ साथ सामने वाले को ज़रा सी बैकग्राउंड नॉइज़ भी सुननी पड़ेगी। इन शॉर्ट कहूँ तो काम चलने लायक माइक है, नथिंग स्पेशल, जैसा 4000 के ईयरफोन में होना चाहिए। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इट इज़ गुड, लाइक 1500-2000 वाले ईयरफोन से कंपेयर करने लायक है। द क्लैरिटी इज़ गुड और थोड़ा ऑडियो डेफिनेशन भी है एंड ट्रस्ट मी, 1000 से नीचे वाले वायरलेस ईयरफोन्स में इतना अच्छा साउंड क्वालिटी मिलना मुश्किल होता है, सो आई एम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड हियर। बेस भी ओके है, मतलब अगर ऑडियो में अच्छा खासा बेस है तो आपको ईयरफोन में भी अच्छा खासा बेस मिल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल ऑडियो, मतलब जिसमें बेस उतना खास नहीं होता, तो वहाँ पे आपको काफ़ी कम बेस मिलेगा और बाकी थंप वगैरह तो एक्सपेक्ट मत करना। नॉइस कैंसिलेशन एंड लाउडनेस भी ठीक ठाक है, 60-70% वॉल्यूम इनफ हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, बी इट इंडोर्स और आउटडोर्स। बैटरी बैकअप 6 आवर्स का है ऑन पेपर एंड मुझे ऑन एवरेज 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल भी रहा था। आई नो ये थोड़ा कम है बट कंसिडरिंग दिस ईयरफोन इज स्पेशली मेड फॉर स्पोर्ट्स, तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस एज वेल, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम ईयरफोन तो 1.5 या 2 घंटे तक ही यूज़ करोगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे तक, एंड एक चार्ज में आपको आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बीट जिम वर्कआउट, रनिंग, जॉगिंग और एनी अदर स्पोर्ट। सो स्पोर्ट्स के लिए ये बैटरी बैकअप एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, 2-3 घंटे यूज़ करने के बाद भी आपको और 3 घंटे का बैकअप मिल जाएगा इनकेस अगर आपको कैजुअल यूज़ करना है इस ईयरफोन को थ्रू आउट द डे तो। एंड लो बैटरी बैकअप होने के बावजूद भी ईयरफोन को फुल चार्ज होने में करीब 1.5 घंटे तक लग जाता है, देर इज़ नो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। सो अगर आप इस ईयरफोन को पूरा दिन यूज़ करोगे तो आपको डेली बेसिस पे चार्जिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज 2 दिन में एक बार चार्ज से भी आपका काम चल जाएगा। रेड नोटिफिकेशन लाइट इंडिकेट्स दैट द ईयरफोन इज चार्जिंग एंड फुल चार्ज होने पर रेड नोटिफिकेशन लाइट जो है वो ब्लू हो जाएगा एंड इससे आपको पता चल जाएगा कि ईयरफोन फुल चार्ज हो चुका है। वैसे चार्जिंग को लेके एक प्रॉब्लम है, आपके फ़ोन में ईयरफोन का जो बैटरी स्टेटस होता है वो यहाँ पे कम्प्लीटली रैंडम होगा, मतलब 100% से अचानक 80% पर चला जाएगा, 80 से 60, देन फिर 20 एंड फिर ईयरफोन डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन आपको बैटरी बैकअप जो है वो 6 आवर्स का मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बैटरी परसेंटेज जो है वो एग्जैक्ट शो नहीं होगा। या तो ये एंड्रॉयड का प्रॉब्लम है या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा या फिर कुछ सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग हर एक ईयरफोन में आपको ये प्रॉब्लम या फिर ये इशू फेस करने को मिलेगा, लेकिन मेरे वाले में है तो मैं सिर्फ पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ। नाउ लास्टली टॉकिंग अबाउट सम अदर फीचर्स, आपको यहाँ पे IPX4 वाटरप्रूफ मिल जाता है, सो स्वेट से तो कोई दिक्कत नहीं होगी एंड होनी भी नहीं चाहिए सिंस दिस ईयरफोन इज़ स्पेशली मेड फॉर स्पोर्ट्स। इनफैक्ट आप इस ईयरफोन को वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वैसे मैंने तो किया नहीं है एंड आप भी मत करना अनलेस यू रियली नीड टू, क्योंकि लिक्विड डैमेज जो है वो वारंटी में कवर नहीं किया जाएगा, ऐसा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड फ्लिपकार्ट पर दोनों जगह मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अप CSR चिप टेक्नोलॉजी है, विच मीन्स आप एक ही टाइम पे इस ईयरफोन को 2 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो एंड ये काफ़ी अच्छा काम भी करता है, मैंने ट्राई भी किया है। मल्टीफंक्शन बटन आपको कॉल, वॉल्यूम एंड म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल्स दे देगा बट असिस्टेंट ट्रिगर नहीं होता, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था, इट्स लाइक अ मस्ट हैव फीचर। एनीवे सो बॉटम लाइन,
मुझे इस ईयरफोन में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो इसके ओरिजिनल प्राइस से मैच करता हो 4800 का। सो नाउ द रियल क्वेश्चन इज, अगर आपको ये ईयरफोन 700 या 800 रुपए में मिल सकता है तो क्या आपको लेना चाहिए? वेल, इसका आंसर यस भी है और नो भी। देखो, अगर आप स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए कोई ईयरफोन देख रहे हैं 1000 के नीचे के बजट में, जो लाइट वेट हो, कॉम्पैक्ट हो, जिसमें काफ़ी अच्छा ग्रिप हो, स्पोर्ट्स का लुक हो, इंटीग्रेटेड माइक हो, वायर की कोई झंझट ना हो एंड स्पोर्ट्स के लिए हर एक एंगल से कन्वीनियंट हो, तो मैं कहूँगा यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। 800 तक मिल सकता है तो गुड फॉर यू, काफ़ी अच्छा डील साबित होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छा स्पोर्ट्स के लिए कोई और ईयरफोन मिल सकता है। कैजुअल डेली लाइफ यूज़ के लिए भी अगर आप इसको रेगुलर 2 घंटे चार्ज कर सकते हो, 6 आवर्स बैटरी लाइफ से सेटिस्फाइड हो एंड इसके डिस्कम्फर्ट को झेल सकते हो, तो कैजुअल यूज़ के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट एंड नेकबैंड वाले ईयरफोन से काफ़ी बेटर साबित होगा। सो द चॉइस इज योर्स। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट हियर्स अ लिटिल बिहाइंड द सीन्स विच यू माइट लाइक। नेक्स्ट अप से बोल, नेक्स्ट अप CSR चिप टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अप से मेरा भी घपला हो रहा है। Anyway, so that is it for today. I hope you guys enjoyed the video and if you did, make sure you drop a like and अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। Thanks for watching the video. I'm Max signing out for now and I'll catch you guys in the next one.